अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन 123। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज एक गेन बूस्ट का सर्किट डायग्राम मैं आपको दूंगा। एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने कहा था कि भाई आप 4 ट्रांजिस्टर का गेन बूस्ट सर्किट का डायग्राम आप मुझे दें। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो फरमाइश है इस फरमाइश पर मैं बिल्कुल अमल करूँगा और आपको 4 ट्रांजिस्टर या 3 ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप बिल्कुल देखिएगा वहाँ से। लेकिन आज मैं जो सर्किट डायग्राम बनाऊंगा दोस्तों, वो एक सिंगल ट्रांजिस्टर से बनाऊंगा, ताकि जो हमारे नॉन टेक्निकल बंदे हैं, जो लोग हैं हमारे नॉन टेक्निकल, ताकि वो इस डायग्राम को बहुत ही आसान तरीके से को समझ कर बना लें। दोस्तों नेट पर बहुत सारे गेन बूस्ट सर्किट डायग्राम मौजूद हैं, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, उसे बहुत हार्ड बना दिया है दोस्तों, कि और टेक्निकल डायग्राम वहाँ पर दिया हुआ है नेट पर, तो जो हमारे नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं या जो बिगनर्स होते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनका जो डायग्राम है, जो उनका डिज़ाइन है, वो गलत हो जाता है और वो फिर वर्क नहीं करता। मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं आज मतलब सिंगल ट्रांजिस्टर का मैं एक गेन बूस्ट सर्किट डायग्राम आपको बना कर दूँ, ताकि इसे हर बंदा आसानी से बना ले और इन्जॉय करे। दोस्तों एक बात जहन में रखिएगा कि ज़्यादा गेन बढ़ाना, अपने इनपुट सिग्नल को बहुत ज़्यादा कर देना, ये भी मुनासिब नहीं रहता। देखिए इनपुट सिग्नल हमेशा के जो एम्पलीफायर है उसके पावर के मुताबिक दी जाती है। अदरवाइज़ अगर आप इससे ज़्यादा इनपुट सिग्नल अगर आप देते हैं तो एम्पलीफायर की आवाज़ लाउड तो हो जाएगी, लेकिन इसका जो एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो काफ़ी हीट हो जाएगा, चाहे आप ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर को यूज़ करें या आईसी वाले एम्पलीफायर को यूज़ करें। तो होगा ये कि जब इनपुट सिग्नल बहुत ज़्यादा दिया जाएगा तो आपका जो आउटपुट की पावर तो अच्छी खासी निकलेगी, लेकिन आपका ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट करेगा, आपका ट्रांसफार्मर हीट करेगा। और फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि जब आप बिल्कुल स्लो वॉल्यूम पर, जब आप अपने वॉल्यूम को बिल्कुल स्लो रखेंगे तो उस पर आपको फटी फटी सी आवाज़ आएगी, यानी कि बहुत ही अजीब सी आवाज़ आएगी। तो इससे बचने के लिए दोस्तों मैंने जो ये डायग्राम दिया है, इस पर आपको बहुत अच्छा एक वॉइस भी मिलेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस मिलेगी आपको, और जब आप वॉल्यूम को स्लो भी करेंगे तो इंशाल्लाह आवाज़ नहीं फटेगी, बहुत अच्छा बजेगा ये, और आपके जो ट्रांजिस्टर वगैरह हैं वो भी हीट नहीं होंगे। तो चलते हैं अब डायग्राम की तरफ, तो शुरू करता हूँ डायग्राम। और हाँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई, और चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों ये देखें सामने मैंने C945 जो ट्रांजिस्टर है हमारा, उसका डायग्राम मैंने बना दिया है। ये देखें दोस्तों राइट साइड वाला जो है ये बेस है हमारा, और मिड वाला जो है जो दरमियान में है ये हमारा कलेक्टर है, और सबसे लास्ट वाला ये हमारा इमीटर है। दोस्तों सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें कलेक्टर से बेस के दरमियान एक 1 मेगा ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगानी है हमें। आप चाहें तो अगर 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस ना हो तो 150 किलो ओम का आप रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दें, या 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सिग्नल, इनपुट सिग्नल के लिए बेस से हमें एक कैपेसिटर लगाना है, जिसकी वैल्यू होगी 1 माइक्रोफेरेड, और इसका प्लस जो है वो बेस की तरफ रखना है और माइनस इसका बाहर की तरफ रखना है। आप चाहें तो इसका माइनस अंदर की तरफ कर लें बेस की तरफ, और प्लस आप बाहर की तरफ कर लें। उसके बाद दोस्तों हमें कलेक्टर से 460 ओम का एक रेजिस्टेंस लेना है, 460 ओम का रेजिस्टेंस एक लेना है, और इसके सीरीज़ में एक 1K का रेजिस्टर लगाना है, और यहाँ ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट से ज़्यादा आपको यहाँ नहीं देना है दोस्तों, और अगर आप 12 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई देते हैं, मींस के 18 वोल्ट अगर इसमें देते हैं, तो यहाँ पर 1 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमें इसके इमीटर पर 180 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाना है दोस्तों, और उसे ग्राउंड कर देना है। अगर आपके पास 180 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो आप यहाँ पर 100 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, या 120 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो कलेक्टर से हमें ये हमारा आउटपुट निकलेगा, और यहाँ पर भी हम 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाएंगे, प्लस इसका अंदर की तरफ होगा कलेक्टर की तरफ, और माइनस इसका बाहर की तरफ होगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा डायग्राम है,
मैं चाहता तो मे बी इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके, बहुत ही हार्ड करके बना देता, और या फिर मैं ये करता कि इसकी पावर सप्लाई में मॉस्फेट लगा देता वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, और बहुत सारे मतलब मंजन इसमें अगर मैं कर देता तो हो सकता था कि लोगों को समझ में नहीं आता और फिर लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि क्यों ना मैं एक ऐसा डायग्राम आपको दूं जिससे एक क्वालिटी भी बन जाए और बहुत ही कम पैसों में ये हमारा काम हो जाए। तो दोस्तों ये था गेन बूस्ट सर्किट, एक नॉर्मल सा है ये और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी वॉइस है। आप चाहें तो अपने इसे आज़मा कर देख लें और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। और रही बात दोस्तों कि इसके मैंने जैसा आपको बताया था कि ब्रेड बोर्ड के ऊपर मैं इसे बनाकर इसका जो साउंड है वो टेस्ट करवाऊंगा, तो दोस्तों इसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आ जाऊंगा, बल्कि हो सकता है कि आज ही इसकी वीडियो को अपलोड कर दूं इसकी साउंड टेस्टिंग की, या फिर कल, क्योंकि दोस्तों मैं बिज़ी हूँ और क्योंकि मैंने आज आपसे वादा किया था तो आज मैंने सोचा कि बस फटाफट से आपको डायग्राम इसका बना कर दे दूँ और थोड़ा सा समझा भी दूँगा। तो दोस्तों आप इसे ट्राई करें और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बताएं, और अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।